हे वेलकम गाइस, वेलकम बैक अगेन टू घोष गेमिंग YT। और आज हम यहाँ पर कुछ अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, पबजी गेम की और यहाँ पर फौजी गेम की अपडेट्स के बारे में भी। और बात करेंगे यहाँ पर पबजी के यहाँ पर परमानेंट बैन हो गया है इंडिया में, और फौजी गेम की रिलीज डेट और फौजी गेम की बीटा रिलीज डेट के बारे में भी बात करने वाले हैं। और फौजी गेम के बारे में चल रहा है यहाँ पर एक जबरदस्त स्कैम, उसके बारे में भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं वीडियो। तो यहाँ पर फौजी गेम के स्कैम के बारे में बात करें तो यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े स्कैम इस समय फौजी के नाम पे चल रहे हैं। एक तो यहाँ पर फौजी प्ले स्टोर में अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद प्ले स्टोर में आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पर फौजी गेम के नाम से कई सारे गेम्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वो भी यहाँ पर सेम थंबनेल के नाम पर, जिसमें यहाँ पर गूगल कुछ नहीं कर रहा है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है। उसके अलावा भी यहाँ पर एक और यहाँ पर स्कैम चल रहा है, जो कि इंस्टाग्राम में फौजी के नाम से यहाँ पर अकाउंट बन रहे हैं और उन अकाउंट्स द्वारा लोगों को अर्ली एक्सेस के लिए बोला जा रहा है, जिसके लिए लोगों को पे करने के लिए बोला जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा इस तरह के स्कैम चल रहे हैं। फौजी गेम के नाम पे आपको यहाँ पर मैसेज आएगा और बोलेंगे कि आपको हम अर्ली एक्सेस देंगे गेम का, और आप स्ट्रीम करके लाखों में यहाँ पर व्यूअर्स ला सकते हैं, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा और वो आपको ब्लॉक कर देगा यहाँ पर पैसे लेने के बाद। सो इस तरह के बहुत सारे स्कैम यहाँ पर इस समय हो रहे हैं, तो आप इनसे सतर्क रहें और सावधान रहें। सावधान इंडिया ख़त्म। तो बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट्स की ओर। सो अभी हम बात करने वाले हैं फौजी गेम की ही रिलीज डेट और यहाँ पर उसके बीटा की रिलीज डेट के बारे में। तो अगर आप यहाँ पर इस वेबसाइट में देखेंगे तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर रिलीज डेट 2 अक्टूबर लिखी हुई है, और वैसे रिलीज डेट 24 अक्टूबर लिखी हुई है। इसका अंदर का आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ऊपर रिलीज लिखी हुई है 24 अक्टूबर रिलीज डेट लिखी हुई है, जो कि प्ले स्टोर की रिलीज डेट है। इसके अलावा 2 अक्टूबर लिखी हुई है, जो कि बीटा की रिलीज डेट है गांधी जयंती के रूप में। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये पूरा का पूरा सभी का सभी फ्रॉड है। यहाँ पर ये कोई भी ऑफिशियल सोर्स द्वारा वेरीफाइड नहीं है, ये कोई भी एक वेबसाइट है रैंडम, जिसने अपने ही आप से लिख दिया यहाँ पर कुछ भी, और यहाँ पर अभी तक कोई भी इसका ऑफिशियल सोर्स नहीं है। और आपने यहाँ पर अब तक ये खबर तो सुनी ही होगी कि अक्टूबर में यहाँ पर फौजी लॉन्च होने वाला है। इसकी भी मैं बता दूं कि अभी तक एनकोर गेम्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है कि गेम अक्टूबर में ही लॉन्च होने वाला है। तो यहाँ पर अक्टूबर में लॉन्च हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कभी भी लॉन्च हो सकता है। ऑफिशियल जानकारी अभी कोई भी यहाँ पर नहीं है। तो फिलहाल फौजी बीटा और फौजी कभी रिलीज़ होंगे इसका कोई भी आइडिया नहीं है अभी तक। तो एक्चुअली फौजी का ट्रेलर भी लॉन्च नहीं हुआ है। फौजी का पहले ट्रेलर आएगा, उसके बाद फौजी का बीटा वर्जन आएगा, और उसके बाद यहाँ पर फौजी का ऑफिशियल वर्जन आएगा, जो कि यहाँ पर प्ले स्टोर में आएगा। तो यहाँ पर अभी आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, हो सकता है अक्टूबर में, तो मुश्किल ही लग रहा है यहाँ पर नवंबर या दिसंबर में है शायद, तो ये हो सकता है अगले साल भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर आएगा जरूर, और ये गेम भी आपको शायद पसंद आ सकता है। बात करें अपनी तीसरी और फाइनल अपडेट के बारे में, तो यहाँ पर पबजी मोबाइल की तरफ से यहाँ पर आपने काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ देखी होंगी इस तरह की, और यहाँ पर कुछ आपने इस तरह की भी यहाँ पर न्यूज़ देखी होंगी, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर पबजी परमानेंट बैन हो गया है। यहाँ पर आप देखें किस वेबसाइट्स की हैं, तो यहाँ पर वेबसाइट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं, जो कि न्यूज़ 18 और भी यहाँ पर वेबसाइट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, जिन्होंने न्यूज़ पब्लिश की हुई है कि यहाँ पर पबजी ऑफिशियली परमानेंट बैन हो चुका है यहाँ पर। लेकिन अभी तक बात करें बैन की यहाँ पर कि परमानेंट हुआ या नहीं हुआ है, तो यहाँ पर अभी कुछ भी कहा जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। कुछ कुछ इवेंट टिकटॉक की तरह है कि यहाँ पर बोल दिया है अभी तक बैन है और टिकटॉक अभी तक परमानेंट बैन नहीं है, बट यहाँ पर बैन तो लगा ही हुआ है। लेकिन इसमें बात करें क्या अलग है, तो यहाँ पर पबजी के सर्वर्स अभी तक वर्क कर रहे हैं जब तक मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अभी भी शायद वर्क करते ही रहेंगे और पबजी शायद अभी चलता ही रहेगा, एटलीस्ट सर्वर्स तो चलते रहेंगे। जिस दिन परमानेंट बैन हुआ उस दिन आई थिंक सो इसके सर्वर्स भी बंद हो जाएंगे, जिसके बाद से आप इस गेम को खेल भी नहीं पाएंगे। तो अभी तक यहाँ पर परमानेंट बैन तो नहीं हुआ है पबजी, बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि परमानेंट बैन भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक ही मौका रहेगा, जो कि होगा पूरा का पूरा नया गेम, जो कि सेम टू सेम पबजी जैसा होगा, बस यहाँ पर कंपनी दूसरी होगी। तो यहाँ पर यही उम्मीद कर सकते हैं कि एक नया गेम भी आ सकता है, बाकी कि यह पबजी तो कभी भी यहाँ पर अनबैन नहीं होने वाला है।
तो बस गाइस ये थी वीडियो, और इस वीडियो में आपको मैं तीन चार अपडेट्स बताएं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी यहाँ पर। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लिंक मिलेगी आपको इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ भी फॉलो कर दीजिएगा। तो यहाँ पर फिलहाल मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।